हटा दिया, कृष्ण भगवान बन गए। और यहाँ तो ये पापा भी हेल्प कर रहे हैं, जेठा रूई गिरा 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 हो। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो पिछले व्लॉग में आपको मैंने दिखाया था कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही तगड़ा नुकसान हुआ है, बाइक का नुकसान हुआ है, फिर ऊपर जो हमारा जितना भी टंकी वंकी था सब नीचे गिर के टूट गया था, मतलब काफी बड़ा नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद दुकान के सामने की जो सारी चीजें थी, हमारा जो शॉप था उसके सामने की जो सारे जो शॉप के बाहर जो पर्दे वर्दे लगाए जाते हैं, जो बैनर वैनर होता है, सब टूट के मतलब उसमें भी कम से कम हजारों का नुकसान हुआ है। तो अभी फिलहाल तो घर में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी का जो सोर्स था हमारा वो पूरा बर्बाद हो गया है। इसलिए अभी फिलहाल हमने प्लम्बर को बुलाया है, तो फिलहाल अभी चलते हैं प्लम्बर से बात करते हैं क्या क्या सामान लाना है, सब सामान लेके आते हैं, फिर अपना प्लम्बर का काम करवाते हैं। ठीक है, चलो फिर अभी निकलते हैं। तो गाइस, फिलहाल मैं अभी दोबारा आया हूँ छत पे आपको दिखाने के लिए कि कल जो हालत थी छत की, अभी तो हमने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है, बाकी क्लीन करना बाकी है। ये तो हम ये सब उतारेंगे, हीट वीट सब लेके जाया जाएगा नीचे, और अभी यहाँ पे प्लम्बर का काम होगा। देख रहे हो क्या हालत हो गई है, पूरा पाइप वाइप सब, ये टंकी वंकी सब आपको मैंने पिछले वीडियो में तो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ सही तरीके से मैंने आपको बताया है, तो उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिलहाल अभी यहाँ पे प्लम्बर का काम करवाना है, तो अभी फिलहाल चलते हैं, सामान लेके आते हैं, प्लम्बर से पूछते हैं क्या क्या सामान लाना है, काफ़ी मोटा तगड़ा खर्चा बैठने वाला है। चलो निकलते हैं। छत से हमारा जितना भी मलवा निकला है, छत टूटने के बाद जितना सरिया वरिया निकला है सबको बेच रहे हैं, नया नया ला के सब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी छत से इतना सारा मलवा निकाल रहा है, कवाड़ी वाले को बुला के सारा सामान बेच रहे हैं। तो अभी ये नापा तोला जा रहा है कितना आइटम है, कितने किलो का है, सारा ये रिक्शे में भर रहा है। अभी पूरा मलबा हमारा ही भरेगा इस रिक्शे में। ये गई दूसरी टंकी अपनी, अरे वो दूसरी वाली गिर गई। 17 किलो कम से कम गाइस, रिक्शा भर के हमने सामान देखा, पर कितने का सामान हुआ गैस कर सकते हो? मतलब दो टंकी, इतना सारा लोहा सरिया मिला के सिर्फ 2000 से भी कम, 1976 रुपये। और अभी हमारा खर्चा होने वाला है ना चल के भी कम से कम 30,000 के ऊपर खर्चा होने वाला है, प्लम्बर व्लम्बर का मिला के और थोड़ा दीवार वीवार का लगा के, बाकी बाइक का और इन सब का खर्चा तो अलग ही है। अभी गाइस मैं दोबारा हूँ छत पे, क्योंकि प्लम्बर गया हुआ है बैंक में, तो उसे आने में लेट हो जाएगा, तब तक सोचते हैं यहाँ का कुछ काम कर देते हैं। और अपनी बाइक गई हुई है शोरूम में क्लेम के लिए, देखते क्या होता है उसका। प्रॉपर आप लोग वीडियो में बने रहना, एक एक चीज़ का अपडेट जो है ना मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़। तो गाइस प्लम्बर आ चुके हैं और उन्होंने हमको ये लिस्ट बना के दिया है, फिलहाल अभी चलते हैं और ये सारा सामान लेके आते हैं। हमें शीतल का टंकी दिखाया और कैलाश का टंकी दिखाया, लेना है 1000 लीटर का, इसमें हमें 500 लीटर का मिल रहा है, 1000 लीटर का नहीं मिल रहा। और इसका 1000 लीटर का बंदा बोल रहा है 5400 और इसका बोल रहा है 4800। इसकी 5 साल की गारंटी है और इसकी 3 साल की गारंटी है, तो ये वाला लेना ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये सस्ता भी है और ज़्यादा गारंटी भी है इसकी। तो फिलहाल अभी हमने ये वाला निकलवा लिया है। गाइस ये देखो टूटने वाला है, अब ये बहुत तगड़े तरीके से गिरेगा, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं थोड़ा पास कर देता हूँ। ये देखो ये देखो दादा हमारे मेन ब्लॉगर, ये देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहाड़ उठा दिया, कृष्ण भगवान बन गए। और यहाँ तो ये पापा भी हेल्प कर रहे हैं, जेठा रूई गिरा वो बच गया। ये देखो अभी चढ़ रहा है, बहुत तगड़े तरीके से चढ़ रहा है, ये देखो चढ़ रहा है एकदम छत। यहाँ तो कुछ है भी नहीं, सहारा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से चढ़ा रहा है, गिर जाएगा अभी, ये गिर रहा है। बच गया, वो चढ़ा लिया। चलो गाइस बच गया। ये देखो गाइस आ गए हम ऊपर, गिरा। तो गाइस टंकी तो अपना आ गया ऊपर, फिलहाल अभी ये सेट हो रहा है यहाँ पे, अभी फिलहाल हम टेम्प्रेरी वे में यहाँ टंकी सेट कर रहे हैं, बाद में से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। चलो गाइस मैं वैसे आ गया हूँ घर पे, अपनी टंकी टाइम से सेट हो जाएगी, काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अभी जो है हमारी गाड़ी जो स्प्लेंडर है जिसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो उसको शोरूम में लेके गए हैं उसका क्लेम के लिए। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्म वॉर्म फिलअप करना है, उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उनको फिलअप विलअप करना है। तो फिलहाल अभी उसका काम होने के लिए गया हुआ है, तो अभी उसका काम हो रहा है, पर वो लोग ना थोड़ा नखड़े कर रहे हैं। ये जो इंश्योरेंस वाले हैं ना, ये हमेशा इनका यही ड्रामा होता है कि इंश्योरेंस जब क्लेम करने जाओ तो कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, अभी भी ये लोग थोड़े ड्रामे कर रहे हैं, पर अभी फिलहाल देखते शायद हो जाएगा। वैसे तो पूरी कोशिश करेंगे कि हो ही जाए, मैं आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट देता रहूँगा हर चीज़ का,
फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय। सो गाइस, अपनी टंकी सेट हो चुकी है, मोटर का सिस्टम, और यहाँ पे एक अलग से छत पे सिस्टम बनाया है।